एवरीवन, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय जितेंद्र कुमार। और मैं कीर्ति वर्मा आप लोग को बीएससी सेकंड सेमेस्टर के लिए केमिस्ट्री पढ़ा रही हूँ। हमारे यूनिट नंबर 1 कार्बोहाइड्रेट्स चल रहा है, जिसमें अब हम एंडिंग की साइड हैं। और हमारा लास्ट टॉपिक है, लास्ट नहीं बट कन्वर्जन ऑफ शुगर्स का लास्ट टॉपिक है ये, लॉबरी डी लॉबरी डी ब्रियॉन 1 कैनस्टीन रीअरेंजमेंट। लॉबरी डी ब्रियॉन 1 इन कैनस्टीन रीअरेंजमेंट। अब ये रीअरेंजमेंट क्या होता है, इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं काफ़ी, तो इसलिए ध्यान से समझिए। देखो, जो आपका मोनोसेक्राइड्स हैं, हम अभी क्योंकि मोनोसेक्राइड्स के बारे में ही पढ़ रहे हैं, इस टॉपिक के ख़त्म होने के बाद आपका डाइसेक्राइड चलेगा, यानी कि ऑलिगोसेक्राइड। अभी तक हम सारे जितने भी पढ़ रहे थे मोनोसेक्राइड्स पढ़ रहे थे, और इसके बाद हम अपना स्टार्ट करेंगे ओलिगोसेक्राइड्स। ओलिगोसेक्राइड्स में आपको बताया था कि फर्दर क्लासिफाइड किया था डाइसेक्राइड, ट्राइसेक्राइड, टेट्रासेक्राइड में, तो हम इसके बाद पढ़ेंगे डाइसेक्राइड्स। ठीक है, तो अब हमारा है मोनोसेक्राइड्स। मोनोसेक्राइड्स क्या होगा, जब मोनोसेक्राइड रिएक्शन करता है स्ट्रॉन्ग एल्कलीज मतलब कंसनट्रेटेड NaOH ले सकते हो। ठीक है, इसकी प्रेजेंस में जब ये रिएक्शन करता है तो क्या करेगा मोनोसेक्राइड, जब कंसनट्रेटेड NaOH से रिएक्शन करता है तो आपका बनाता है एक ब्राउन कलर्ड कंपाउंड बनाता है। ठीक है, लेकिन जब यही मोनोसेक्राइड्स किसे रिएक्शन करता है, डाइल्यूट NaOH से, NaOH से, डाइल्यूट एल्कलीज से, और भी कोई एल्कलीज ले सकते हो। ठीक है, तब क्या करेगा, तब ये बनाता है क्या, रीअरेंजमेंट। कैसे शो करता है, रिवर्सिबल भी बोल सकते हो। ठीक है, और उसमें ये क्या क्या बनाता है, ग्लूकोज है जैसे, वो कन्वर्ट हो जाएगा फ्रक्टोज एंड मैनोज। आपको पता है इन तीनों का मॉलिकुलर फॉर्मूला सेम होता है, C6H12O6, ग्लूकोज, फ्रक्टोज एंड मैनोज। ठीक है, और तीनों ही मोनोसेक्राइड है। जब आप इनका या कोई भी मोनोसेक्राइड ले लीजिए, ग्लूकोज ले लीजिए, फ्रक्टोज ले लीजिए या मैनोज ले लीजिए, जब इन तीनों का क्या करते हैं कंसनट्रेटेड NaOH की प्रेजेंस में हीट कराते हैं, ठीक है, तो क्या होता है ब्राउन कलर का कंपाउंड बनते हैं। ठीक है, और जब यही मोनोसेक्राइड सेम डाइल्यूट, यहाँ पे कंसनट्रेटेड है, यहाँ डाइल्यूट एल्कलीज की प्रेजेंस में हीट किए जाते हैं, तो ये रिवर्सिबल रीअरेंजमेंट शो करते हैं। ठीक है, मतलब जो ग्लूकोज है आपका, अगर ग्लूकोज को आप हीट करा रहे हो, ठीक है, डाइल्यूट NaOH से, ठीक है, तो ये दो तरह से रिएक्शन कर सकता है, या तो ये फ्रक्टोज में करेगा कन्वर्ट। ठीक है, अब आप और ये क्या करेगा ग्लूकोज, या तो क्या करेगा ये मैनोज में, कोई भी कुछ भी बना सकता है, हमें नहीं पता, हमें तो ग्लूकोज पता है, हमने ग्लूकोज को हीट कराया हुआ है डाइल्यूट NaOH की प्रेजेंस में, अब वो फ्रक्टोज भी बना सकता है या फिर मैनोज भी बना सकता है। ठीक है, कोई किसी में भी कन्वर्ट हो सकता है। अब ये मैनोज जो है वापस से ग्लूकोज में भी कन्वर्ट हो सकता है और मैनोज में भी कन्वर्ट हो सकता है फ्रक्टोज। अब ये मैनोज भी वापस से ग्लूकोज में भी कन्वर्ट हो सकता है और फ्रक्टोज में भी। ठीक है, ठीक है, तीनों ही, मतलब ग्लूकोज ले लो चाहे फ्रक्टोज ले लो या पेनोज ले लो, तीनों ही क्या होंगे एक दूसरे में रीअरेंजमेंट से एक दूसरे में कन्वर्ट हो जाएंगे। ग्लूकोज में रीअरेंजमेंट होगा और वो कन्वर्ट होगा फ्रक्टोज में, फ्रक्टोज में रीअरेंजमेंट होगा वो कन्वर्ट हो जाएगा मेनोज में, मेनोज में भी रीअरेंजमेंट होता है वो ग्लूकोज में भी कन्वर्ट हो सकता है और फ्रक्टोज में भी, ऐसे फ्रक्टोज में भी होता है वो ग्लूकोज में भी हो सकता है मेनोज में भी, ऐसे ग्लूकोज में होता है वो फ्रक्टोज में भी और
मेनोज में भी कन्वर्ट हो सकता है, ठीक है। तो ये है आपका रीअरेंजमेंट, आपको ध्यान रखना है। अगर मोनोसेक्राइड के साथ कंसनट्रेटेड NaOH दिया है तो वहाँ पे सिर्फ ब्राउन कलर के कंपाउंड आएंगे, लेकिन अगर डाइल्यूट NaOH दिया है तो ये रिवर्सिबल रीअरेंजमेंट शो करेगा, ठीक है। अगर ऐसे कोई रिएक्शन जा रही है, ग्लूकोज से फ्रक्टोज बन रहा है, तो फ्रक्टोज से फिर ग्लूकोज बन सकता है, ठीक है। ये होती है आपकी रीअरेंजमेंट रिएक्शन। अब क्या होगा, इसमें इनॉल का फॉर्मेशन होगा, इनॉल फॉर्म बनेगी, तो हम इसे क्या बोलते हैं, इनॉल रीअरेंजमेंट भी बोलते हैं, इनॉल रीअरेंजमेंट। आपको याद रखना है कि जब भी ये कन्वर्जन होगा, एक दूसरे में कन्वर्ट होंगे, तो बीच में इनॉल फॉर्म बनती है, इनॉल फॉर्म बनने की वजह से इसे बोलते हैं इनॉल रीअरेंजमेंट। और इनॉल बीच में बनता है, तो बीच में बनता है तो इंटरमीडिएट भी होता है, इनॉल इंटरमीडिएट की फॉर्म में बनता है, इंटरमीडिएट, ठीक है, इंटरमीडिएट की तरह बनता है, इनॉल रीअरेंजमेंट या इंटरमीडिएट हो गया, ठीक है। ये था आपका लॉब्री डी ब्रियॉन वॉन इंकेंस्टीन रीअरेंजमेंट का बेसिक कॉन्सेप्ट। अब इसका मैकेनिज्म देखेंगे, ये आपको समझ आ गया कि इसमें होता क्या है। मोनोसेक्राइड जो है कंसनट्रेटेड NaOH से रिएक्शन कर सकता है, या फिर इनको ऐसे भी देख सकते हैं स्ट्रॉन्ग, ये स्ट्रॉन्ग एल्कलीज भी बोलते हैं इन्हें, स्ट्रॉन्ग एल्कलीज। कभी एरो पे ये ना देकर स्ट्रॉन्ग एल्कलीज आ गया या वीक एल्कलीज आ गया, तो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। स्ट्रॉन्ग एल्कलीज का मतलब कंसनट्रेटेड फॉर्म से है, वीक का मतलब डाइल्यूट फॉर्म से है, ठीक है। तो ये रिएक्शन है, जब ये डाइल्यूट से करेगा तभी हमारा रिवर्सिबल रीअरेंजमेंट शो करेगा, और वो इस तरह से होता है। अब ये बनता कैसे, कन्वर्ट कैसे होगा, तो हम एक लेकर चलेंगे अपना ग्लूकोज, ग्लूकोज से पहले फ्रक्टोज पे जाएंगे, फ्रक्टोज से फिर मैनोज पे, ठीक है। एक बार नोट डाउन कर लीजिए फिर मैकेनिज्म। चलिए सभी ने कर लिया होगा। हम देखिए इसका पूरा मैकेनिज्म, ठीक है, समझ तो आ गया है इसका, इसमें होता क्या है लॉब्री डी ब्रियॉन वॉन इंकेंस्टीन रीअरेंजमेंट में, ठीक है। अब देखिए इसका ग्लूकोज, आप लोग को पहले ग्लूकोज, फ्रक्टोज और जो आपका मैनोज है, तीनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, C6H12O6, बस स्ट्रक्चर में डिफरेंस है। हम ग्लूकोज के स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेते हैं। अब आप सभी को इस ग्लूकोज की स्ट्रक्चर काफ़ी अच्छे से याद है। ये आपका ग्लूकोज, ठीक है। अब यहाँ से क्या होगा, देखो कैसे होगा, यहाँ से जो इसका बॉन्ड का फॉर्मेशन है कैसे होगा, ये वाला जो आपका, मुझे इसको इनॉल फॉर्म में लाना है, ठीक है, यानी कि यहाँ पे भी OH बॉन्ड आना चाहिए, ठीक है। तो आप कैसे करेंगे, इसमें यहाँ से ये वाला जो बॉन्ड है, ये वाला शिफ्ट करेगा इधर, ठीक है, और जो ये वाला बॉन्ड है ये शिफ्ट करेगा इधर, ठीक है। तो ध्यान से देखो, जब ये वाला बॉन्ड इधर शिफ्ट कर गया तो यहाँ तो डबल बॉन्ड आ जाएगा, ये H फ्री हो गया, लेकिन जैसे ही H प्लस की फॉर्म में फ्री हो जाएगा, क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन दे दिए, इसने बॉन्ड जब ब्रेक हुआ तो इस बॉन्ड वाले बॉन्ड से, इलेक्ट्रॉन से तो यहाँ बॉन्ड बन गया, लेकिन इसका जो पॉजिटिव चार्ज है, अब जैसे ही इसने बॉन्ड यहाँ पे ब्रेक किया, नेगेटिव हो गया, तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव यहाँ चला जाएगा, इसके साथ मिल जाएगा, ठीक है, ध्यान से समझिए। तो यहाँ पे इस पे OH ग्रुप आ जाएगा, कैसे आ जाएगा, आगे OH ग्रुप और डबल बॉन्ड COH, ये बन गया आपका, और नीचे का तो ऐसे ही। आप सोच रहे होंगे कि मैं इनको क्यों नहीं छेड़ रही हूँ, तो चलो ध्यान से देखो, जब फ्रक्टोज की स्ट्रक्चर आपकी ये होती है CH2OH, यही होती है ना, नीचे के जो बॉन्ड है वो CHOH ऐसे होता है, और CH2OH, ठीक है। जब हम ग्लूकोज की बात करते हैं तब भी यही होता है, ठीक है, जब मैनोज की बात करते हैं तब भी यही होता है। ये आपका ग्लूकोज,
ये फ्रक्टोज और ये मैनोज, ठीक है, GMF। अंतर कहाँ पे है, यहाँ पे दिखा देती हूँ, इस वाले कार्बन पे। इस पे जो कार्बन होता है सेकंड वाला, इस पे OH राइट साइड होता है, जबकि मैनोज में इधर क्या होता है आपका OH लेफ्ट साइड होता है, बस ये अंतर है। और इसमें आपका कीटोन ग्रुप आता है, सेकंड कार्बन पे चेंज है बस, ठीक है। एल्डिहाइड आता है, ये तो आपको पता है एल्डोज है कीटोज है, क्योंकि इसमें एल्डिहाइड। देखो नीचे वाले ग्रुप देखो आप, नीचे के जो आपके चार हैं कार्बन, नो चेंज, नो चेंज, इसलिए नीचे के मैंने नहीं छेड़े हैं, ठीक है। बस जो भी चेंज में चेंज होना है वो ऊपर के दो कार्बन में ही होना है, ठीक है। इसीलिए अब आगे क्या होगा, देखो ये बन गया आपका इनोल फॉर्मेशन हुआ है ना, हमने OH ग्रुप लगाया तो ये हो गया इनोल, इनोल फॉर्मेशन बन हो गया यहाँ पे, तो यहाँ पे हमने इनोल दे दिया। अब यहाँ से क्या होगा, ये वाला जो बॉन्ड है ये वाला इधर शिफ्ट करेगा इस वाले बॉन्ड पे, अब ये H फ्री हो जाएगा। अब जैसे ही ये फ्री हुआ, ये वाला जो बॉन्ड है ये इस कार्बन की साइड टूटेगा, कार्बन पे नेगेटिव चार्ज और ये H पॉजिटिव, ये H जाके अटैक करेगा इस कार्बन पे, जुड़ जाएगा, ठीक है। और जैसे ये क्या करेगा, उस पर जुड़ जाएगा, तो यहाँ पे देखो एक H और आ गया, CH, यानी कि CH2OH, यही तो ऊपर ग्रुप चाहिए होता है हमें कीटोन के लिए, ठीक है। हमें जो वो चाहिए फ्रक्टोज, उसमें ऊपर कीटोन ग्रुप ही चाहिए होता है, यानी कि आपका बॉन्ड आ जाएगा HCHOH, और ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो गया, डबल बॉन्ड आ गया O के बीच में, ठीक है। यह है आपका कीटोन, सॉरी कीटोन बोल रही हूँ बार बार, फ्रक्टोज, ये है आपका फ्रक्टोज, ठीक है। यहाँ तक पहुँच गए हम, ग्लूकोज से इनोल रीअरेंजमेंट हुआ, उसके बाद रीअरेंजमेंट के बाद इनोल फॉर्मेशन हुआ, फिर रीअरेंजमेंट हुआ क्योंकि हम रीअरेंजमेंट ही पढ़ रहे, फिर हमारा फ्रक्टोज बना, देन फिर रीअरेंजमेंट होगा, ठीक है। क्या होगा इस बार, अब देखो क्या हो सकता है इसमें, इसमें ऐसा भी तो हो सकता है ये जो आपका बॉन्ड था ये वापस से इसमें ओ में नेगेटिव में बना ले, ठीक है। जैसे इसने ओ बनाया होगा तो देखो, अब ये वाला जो बॉन्ड है, ये वाला बॉन्ड यहाँ पे वापस आएगा, ठीक है, ये यहाँ पर आने की कोशिश करेगा। जैसे ही इसके बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इसके साथ डबल बॉन्ड बनाएंगे और ये सिंगल बॉन्ड हुआ, यहाँ पे ओ आया, ये एच आके इस पे जुड़ जाएगा, ठीक है। यानी कि ऊपर क्या रह गया, ठीक है, ये हो गया, अब ये बन गया फिर से आपका इनॉल, ठीक है, इनॉल, ठीक है। अब फिर से रीअरेंजमेंट होगा, फिर से रीअरेंजमेंट होगा, ध्यान से देखो, और इस बार क्या हो सकता है, आपको चाहिए एल्डिहाइड ऊपर, ठीक है। एल्डिहाइड फॉर्मेशन होगा, तो कैसे हो सकता है एल्डिहाइड का फॉर्मेशन, देखो ये वाला जो बॉन्ड है वो यहाँ शिफ्ट कर जाएगा, ठीक है, और ये वाला बॉन्ड वापस से सी की तरफ टूट जाएगा, ठीक है। जैसे ये सी की तरफ पहुँचा, ये नेगेटिव और ये यहाँ से पॉजिटिव और ये आके जुड़ जाएगा इस पर, तो यहाँ से क्या बन गया, सी एच डबल बॉन्ड ओ, सी सी एच डबल बॉन्ड ओ, ये सी ओ एच उधर है ही, एच आके यहाँ से जुड़ जाएगा और सी एच ओ एच का ट्राइज और सी एच टू ओ एच, ठीक है, बन गया आपका मैनोज। यही तो आपको चाहिए था मैनोज, ठीक है। यानी कि ग्लूकोज से पहले इनोल रीअरेंजमेंट हुआ, फ्रक्टोज, फ्रक्टोज से फिर फ्रक्टोज में इनोल रीअरेंजमेंट हुआ और आपका मैनोज बन गया। ये होता है आपका मैनोज का फॉर्मूला, यही तो था सेम स्ट्रक्चर, बस ग्लूकोज और मैनोज में ये डिफरेंस है, ग्लूकोज में OH आपका राइट साइड आता है और मैनोज में OH आपका लेफ्ट साइड आता है, ठीक है, और कोई डिफरेंस नहीं है ग्लूकोज और मैनोज में। ये थी आपकी लॉब्री डी ब्रियॉन वॉन इंकेस्टीन रीअरेंजमेंट, ठीक है। ये डायरेक्ट नेम से भी पूछी जा सकती है या फिर ऐसे भी बोल सकता है कि ग्लूकोज का रीअरेंजमेंट करिए, ठीक है, कुछ भी आ सकता है, ग्लूकोज से फ्रक्टोज और मैनोज का फॉर्मेशन करिए, या इनॉल इनॉल रीअरेंजमेंट के नेम से भी आ सकती है, इनॉल रीअरेंजमेंट के नेम से, ठीक है, कैसे भी आ सकती है, आपको घुमा फिरा के क्वेश्चन वही करना है, ठीक है।
अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होता है आज का, वो है आपका लिंकेज ऑफ मोनोसेक्राइड्स। लिंकेज ऑफ मोनोसेक्राइड्स क्या होता है मैं बता देती हूँ, एक बार कराऊंगी अभी बाद में। लिंकेज ऑफ मोनोसेक्राइड नाम से पता चल रहा है कि मोनोसेक्राइड क्या हो रहे होंगे, लिंक कर रहे होंगे, मतलब जुड़ रहे होंगे। ठीक है, जब मोनोसेक्राइड जुड़ते हैं तो हमारे क्या बनाते हैं, ओलिगोसेक्राइड्स बनाते हैं। आपने देखा होगा जब मैंने ओलिगोसेक्राइड पढ़ाया था, ओलिगोसेक्राइड्स, तो वही था ना कि वो कार्बोहाइड्रेट्स जो क्या करें, हाइड्रोलिसिस होने के बाद मोनोसेक्राइड में कन्वर्ट हो जाए, उन्हें बोलते हैं ओलिगोसेक्राइड्स। ठीक है, अब मोनोसेक्राइड में कन्वर्ट हो जाए, यानी कि ओलिगोसेक्राइड्स क्या हैं, वो कार्बोहाइड्रेट्स जो हाइड्रोलिसिस के बाद मोनोसेक्राइड में कन्वर्ट हो जाते हैं, उन्हें ओलिगोसेक्राइड्स कहते हैं। ओलिगोसेक्राइड को फर्दर हमने मोनोसेक्राइड जितनी भी यूनिट बनेगी, हाइड्रोलिसिस तो ओलिगोसेक्राइड का हाइड्रोलिसिस तो होना है, मोनोसेक्राइड बनना है, लेकिन हाइड्रोलिसिस के बाद कितने नंबर ऑफ मोनोसेक्राइड्स यूनिट हमें मिली हैं उनके बेस पर इन्हें फर्दर क्लासिफाइड किया था हमने। जैसे मोनोसेक्राइड हो गया, अगर एक मोनोसेक्राइड, अगर एक मोनोसेक्राइड मिल रहा, एक तो हो नहीं सकता क्योंकि एक के लिए तो हमने मोनो लिया है। अगर दो यूनिट मिल रही है मोनोसेक्राइड की तो हम बोलते हैं डाइसेक्राइड्स। ठीक है, और अगर ओलिगोसेक्राइड्स की हाइड्रोलिसिस के बाद आपको तीन मोनोसेक्राइड्स की यूनिट मिल रही हैं तो उसको बोलते हैं ट्राइसेक्राइड्स। ठीक है, और अगर फोर मोनोसेक्राइड्स की यूनिट मिल रही हैं तो उन्हें बोलते हैं टेट्रासेक्राइड्स। इसी तरह चलती रहती हैं अप टू 10 to 12 तक। ठीक है, 10 to 12 तक, 6 तक तो आपका क्या होता है, मोनोसेक्राइड होता है, कार्बन 1 to 6 तक, 3 to 6 तक सॉरी, और 6 to 10 या 12 तक होता है आपका ओलिगोसेक्राइड। उसको वो कन्वर्ट कर सकते हैं हम मोनोसेक्राइड और मोनोसेक्राइड्स की यूनिट के बेस पर डाइसेक्राइड्स, ट्राइसेक्राइड्स, टेट्रासेक्राइड्स। ठीक है, तो हमारा मोनोसेक्राइड्स हमने पढ़ लिया है, ओलिगो में अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं डाइसेक्राइड्स। आपको समझ आ गया होगा हमें पढ़ना क्या है, हमने मोनोसेक्राइड को काफ़ी कुछ पढ़ लिया, इसमें जितना भी हमारा पोर्शन आने वाला था हमने सब कवर कर लिया है। ठीक है, अब हमारा डाइसेक्राइड से स्टार्ट हो रहा है, डाइसेक्राइड के अब ओलिगोसेक्राइड में डाइसेक्राइड। ठीक है, डाइसेक्राइड्स कौन से हो सकते हैं, डाइसेक्राइड्स का जनरल फॉर्मूला आपका होता है C12H22O11, C12H22O11। अब बोलोगे ये तो सुक्रोज का फॉर्मूला है, हाँ जी, तो हमें पहले सुक्रोज ही पढ़ना है डाइसेक्राइड्स में। ठीक है, हमें सुक्रोज ही पढ़ना है पहले नंबर वन पे डाइसेक्राइड्स में, देन हमें माल्टोज भी पढ़ना है और हमें लैक्टोज भी पढ़ना है। ठीक है, चलिए पहले एक बार इस रीअरेंजमेंट का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अपना डाइसेक्राइड्स में हम पढ़ने वाले हैं फर्स्ट टॉपिक अपना सुक्रोज। ठीक है, चलिए नोट डाउन कर लेंगे आप सभी ने। अब चलते हैं लास्ट टॉपिक की साइड अपना, ये है आपका लिंकेज बिटवीन मोनोसेक्राइड्स। लास्ट टॉपिक है आपका लिंकेज बिटवीन मोनोसेक्राइड्स। ठीक है, आपको भी बताया ओलिगो और डाइसेक्राइड्स कैसे बनते हैं, मोनोसेक्राइड्स का लिंकेज कर दो, यानी कि जब भी आपकी दो मोनोसेक्राइड्स की यूनिट यानी कि C6H12 ही ले लेते हैं, O6 क्या करेंगी, कंडेंस करेंगी, कंडेंसेशन से क्या बनाएंगे वो, यहाँ पे लिखिए कंडेंसेशन, ध्यान से समझना। यहाँ पे जब भी आपका दो मोनोसेक्राइड कंडेंसेशन यानी कि जुड़ेंगी, कंडेंसेशन से जुड़ेंगी, तो आपका क्या बनाएंगी, डाइसेक्राइड्स बनाएंगी, C12H22O11। ठीक है, ये बनाएंगी और और प्लस H2O, और इसमें या फिर आप इसको ऐसे बोल सकते हो, ये तो आपकी है मोनोसेक्राइड्स की दो यूनिट। ठीक है, जब मोनोसेक्राइड्स की दो यूनिट कंडेंसेशन के बाद आपका क्या बना सकती हैं, डाइसेक्राइड बना सकती हैं, तो आप इसको रिवर्स करके भी देख सकते हो कि जब भी डाइसेक्राइड का हाइड्रोलिसिस कराओगे जब भी डाइसेक्राइड्स का हाइड्रोलिसिस कराओगे, यानी कि लिख दीजिए हाइड्रोलिसिस। ठीक है,
जब भी डाइसेक्राइड का हाइड्रोलिसिस कराओगे तो आपके पास मिलेंगी मोनोसेक्राइड्स की यूनिट। यही तो होता है डाइसेक्राइड, वो कार्बोहाइड्रेट्स जो हाइड्रोलिसिस के बाद मोनोसेक्राइड्स देते हैं उन्हें तो बोलते हैं हम, दो मोनोसेक्राइड्स की यूनिट देते हैं उन्हें बोलते हैं हम डाइसेक्राइड्स। ठीक है, वही हमारा है मोनोसेक्राइड्स। ठीक है, ये हो गया। और आपने इन्वर्जन ऑफ शुगर जब शुक्रोज वाला देखा था तो मैंने ये वाली रिएक्शन भी वहाँ पे कराई हुई थी। चलिए, ये हो गया आपका लिंकेज बिटवीन मोनोसेक्राइड्स। अब क्या हो सकते हैं कि एग्जाम्पल ले लें, तो हम जो डाइसेक्राइड्स पढ़ने वाले हैं इसमें तीन पढ़ेंगे, तीन तरह के डाइसेक्राइड्स पढ़ेंगे। कौन कौन से? एक पढ़ेंगे माल्टोज और एक पढ़ेंगे लैक्टोज और एक पढ़ेंगे सुक्रोज। ठीक है, तीन आप इसमें डाइसेक्राइड हम पढ़ने वाले हैं। माल्टोज क्या होता है, किसका मिक्सचर होता है? ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज का। ठीक है, ये लैक्टोज किसका होता है? ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज का। ठीक है, ये सुक्रोज किसका होता है? ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज का। ठीक है, ये होता है माल्टोज, इसका मिक्सचर होता है लैक्टोज इसका, सुक्रोज इसका। ठीक है, अब ये वाले जो ये मिक्सचर, इससे माल्टो, आपको पता है जो जनरली आपके जितने भी कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो रिड्यूसिंग शुगर्स होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि वो फेलिंग और टॉलरेंस जो रिएजेंट होते हैं उनसे इनको रिड्यूस कर देते हैं। ठीक है, आपको मैंने लिखवाई हुई डेफिनेशन, वहाँ से आप देख भी सकते हैं। तो ये क्या है, लेकिन ये भी रिड्यूसिंग है, ये रिड्यूसिंग शुगर है, ये भी रिड्यूसिंग शुगर है। ठीक है, बट ये क्या है, आपकी नॉन रिड्यूसिंग शुगर, नॉन रिड्यूसिंग शुगर। अब आप सोचे होंगे कि जब मैंने ग्लूकोज की प्रॉपर्टीज कराई थी और फ्रक्टोज की कराई थी तो इन दोनों ने तो टॉलरेंस एजेंट और क्या नाम है, टॉलरेंस एजेंट्स और फेलिंग सॉल्यूशन को क्या कर दिया था, रिड्यूस कर दिया था। वहाँ पे हमने देखा था कि ये रिड्यूसिंग शुगर है और ये भी रिड्यूसिंग शुगर है। तो जब ये भी रिड्यूसिंग है और ये भी रिड्यूसिंग है और सुक्रोज से हमें यही मिलने वाला है, तो सुक्रोज नॉन रिड्यूसिंग कैसे हो गया? ठीक है, इसका रीज़न मैं आपको डिटेल में कराऊंगी जब सुक्रोज पढ़ाऊंगी। ठीक है, फिलहाल अब लैक्टोज पे आएंगे। लैक्टोज में क्या है, ग्लूकोज और गैलेक्टोज है। ठीक है, दोनों ही कैसे हैं, रिड्यूसिंग है तो रिड्यूसिंग, और ग्लूकोज ग्लूकोज ही है तो रिड्यूसिंग। ठीक है, ये आपका रिड्यूसिंग शुगर्स का उनके बारे में। अब यहाँ पे देखो, जब ये लिंकेज होता है मोनोसेक्राइड्स का, दो मोनोसेक्राइड्स का, तो इसका इस पहली वाली मोनोसेक्राइड का और दूसरी वाली मोनोसेक्राइड, एक का तो कार्बन C1 होता है और दूसरे का होता है C4। इनका लिंकेज होता है जब हमारा डाइसेक्राइड बनता है। अभी डिटेल में समझाऊंगी जब मैं सुक्रोज की स्ट्रक्चर बनवाऊंगी। ठीक है, तो C1 और C4 के बीच बॉन्डिंग होती है, और वो बॉन्डिंग कौन सी होती है? ग्लूकोसाइडिक बॉन्ड, बॉन्ड फॉर्मेशन होता है। ठीक है, ये बॉन्ड हमेशा बनता है C1 और C4 के बीच। ठीक है, ये था आपका मोनोसेक्राइड के बारे में, लिंकेज ऑफ मोनोसेक्राइड्स। अब अपना टॉपिक स्टार्ट करिए, सुक्रोज कर लिया होगा नोट। टॉपिक स्टार्ट करिए अपना शुक्रोज, लिख लीजिए पहले इसके बारे में कुछ। इट इज ऑल्सो नॉन एज केन शुगर, इसको केन शुगर भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि अराउंड 20% तक, 16 to 20% केन शुगर से हमें मिलती है, तो इसलिए हम इसको केन शुगर भी बोल देते हैं। ठीक है, ये बहुत सारे फ्रूट्स में भी होती है, एप्पल में भी, पाइनएप्पल में भी, बनाना में भी, मैंगो में भी, और इंडस्ट्रियल एरिया में देखें इसको तो हम अपनी जो मैन्युफैक्चर में भी यूज़ करते हैं, जैम्स बनाते हैं, जेली बनाते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें जिसमें हम सुक्रोज का यूज़ करते हैं, और इसको इसीलिए बोलते हैं। इट इज़ ऑल्सो नॉन एज केन शुगर। आप सभी ने देखा भी है चीनी को। ठीक है, कैसा होता है? इट इज़ वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड। ठीक है, सॉलिड है, आप सभी ने देखा है। दूसरा, इट इज़ सॉल्यूबल इन वाटर। चीनी तो आप वाटर में डिजोल्व कर घोलते हो, सॉल्यूबल होती है, इट इज़ सॉल्यूबल इन वाटर। और
एक बात और यहाँ पर, जो इसकी सॉलिबिलिटी है वो टेम्परेचर, वो एंडोथर्मिक रिएक्शन शो करती है, ठीक है। तो एंडोथर्मिक का मतलब है जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होगा इसकी सॉलिबिलिटी इंक्रीज होगी। आप देखो, आप नॉर्मल वाटर में चीनी डिजॉल्व कर रहे हो, उसके कंपैरिजन में जब आप वाटर का टेम्परेचर इंक्रीज कर दोगे, यानी कि गर्म पानी में आप चीनी घुलोगे तो जल्दी घुल जाएगी, ठीक है। यानी कि सॉलिबिलिटी डायरेक्टली इफेक्ट होती है टेम्परेचर से। जैसे टेम्परेचर इंक्रीज हुआ, सॉलिबिलिटी ऑफ सुक्रोज इंक्रीज हो जाती है, सॉलिबिलिटी ऑफ सुक्रोज इन वाटर वो भी इंक्रीज हो जाती है। तो इट इज़ सॉलिबल इन वाटर एंड इट डायरेक्टली डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, डायरेक्टली डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, ठीक है। इसका लिख लीजिए, इट्स मेल्टिंग पॉइंट मेल्टिंग नहीं बॉइलिंग लिखिए, इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज 182 डिग्री सेंटीग्रेड, इस रेंज तक होता है, 182 डिग्री सेंटीग्रेड तक इसका बॉइलिंग पॉइंट होता है, ठीक है। अब देखो क्या होता है, और क्या लिख सकते हैं, इट इज ऑल्सो नॉन एज, क्या कहलाता है ये, इनवर्ट शुगर, इन्वर्ट शुगर। और क्यों कहलाता है ये इन्वर्ट शुगर, इसका भी रीज़न है। कई बार आपसे पूछ ले कि वाई हम सुक्रोज को इन्वर्ट शुगर क्यों बोलते हैं, ठीक है। तो इसका भी रीज़न है क्यों बोलते हैं इन्वर्ट शुगर इसका, इसको क्योंकि ये क्या करता है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज से मिलकर बना है। ग्लूकोज भी क्या है आपका, डी कॉन्फ़िगरेशन रखता है, और वो भी डी कॉन्फ़िगरेशन रखता है, ठीक है। ग्लूकोज क्या करता है, जो आपका देखो जैसे, चलो अभी फिलहाल इतना रखो, मैं आपको पहले फॉर्म वो समझाती हूँ, रिएक्शन C12H22O11, इससे समझ आएगा। जब इसका वाटर के साथ हाइड्रोलिसिस करा तो आपको मिला C6H12O6 + C6H12O6, ये है आपका ग्लूकोज और ये है आपका फ्रक्टोज, ठीक है। आपको पता है ये डी ग्लूकोज भी होता है, ये डी फ्रक्टोज भी होता है, ठीक है। ये कैसा होता है, ये क्लॉकवाइज होता है। क्यों होता है, अब डायरेक्शन की बात वो देखें, ये आपका डी और डी, ये कहोगे कि ये भी डी है और ये भी डी है, तो ये जो कैपिटल डी और कैपिटल एल होते हैं कॉन्फिगरेशन को दिखाते हैं, ठीक है। अगर आपका सेकेंड लास्ट कार्बन, मैंने बताया था ये देखने का तरीका, सेकेंड लास्ट कार्बन पे अगर OH आपका राइट साइड आता है तो हम बोलते हैं डी, ठीक है। और सेकंड लास्ट कार्बन पे अगर OH आपका लेफ्ट साइड आता है तो उसे बोलते हैं हम एल। दोनों में ही, क्योंकि सेकंड लास्ट कार्बन पे OH राइट साइड है तो ये डी कॉन्फ़िगरेशन हो गया, कॉन्फ़िगरेशन तो डी है। अब एक आता है आपका डी और ये एल, ठीक है, या फिर प्लस और माइनस, ये क्या होता है, ये होता है डेक्स्ट्रो रोटेटरी और ये लीवर रोटेटरी। ये क्या होता है, अगर आपका जो कोई भी क्लॉक वाइज डायरेक्शन में आपका रोटेशन होता है, क्लॉक वाइज डायरेक्शन, अगर क्लॉक वाइज डायरेक्शन रोटेशन होता है तो वो प्लस, और अगर एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन होता है तो वो एल होता है, या उसे प्लस और माइनस से दिखाते हैं, ठीक है। क्योंकि ये क्या है, क्लॉक वाइज डायरेक्शन शो करता है, तो मैं इसको डी प्लस से दिखाऊंगी। और ये क्या करता है, डी तो इसकी कॉन्फर्मेशन बता रहा है और प्लस इसकी डायरेक्शन बता रहा है कि क्लॉक वाइज है या एंटी क्लॉक वाइज, ठीक है। तो डोंट बी कन्फ्यूज, ये डी और ये वाले डी में अंतर है, जो कैपिटल डी और कैपिटल एल होते हैं वो होते हैं आपके कॉन्फ़िगरेशन के लिए और कॉन्फ़िगरेशन के लिए, और जो स्मॉल डी और स्मॉल एल होते हैं वो होते हैं आपके डायरेक्शन के लिए, ठीक है। ये होता है, इसको प्लस और माइनस भी दिखा सकते हैं, ठीक है। तो ये प्लस है और ये माइनस है, ठीक है। क्यों, अब इसमें क्या है, ये जो रोटेट करा था है, मैंने आपको उसमें भी बताया था, 52 डिग्री से एंटीग्रेड से वो 52 डिग्री से रोटेट कराता है, जो हमारा प्लेन पोलराइज लाइट था PPL, उसको ये 52 डिग्री से रोटेट कराता है। ये माइनस है, ये फ्रक्टोज कैसे कराता है, माइनस 92 डिग्री से ये रोटेट कराता है, आई थिंक, ठीक है, 96 है, 96 डिग्री से रोटेट कराता है। अब आप देखो कहीं पे मिक्सचर है, अगर प्योर आपका ग्लूकोज होता है, ये होता ही नहीं, तो ये तो 52 से ही कराता,
ठीक है, यानी कि इसका पॉजिटिव ही होता, ये क्या करता 52 डिग्री से कराता, लेकिन अभी फ्रक्टोज भी है ये -96 डिग्री से करा रहा है। कौन सी डिजिट पड़ी है एंगल के, उससे देखिए माइनस प्लस से नहीं, एंगल का ज़्यादा फर्क किस में आएगा, इसमें एंगल या इसमें, -96 वाला बड़ा है ना, ये वाला बड़ा है। तो यानी कि जो ओवरऑल आपका जो मिक्सचर हो गया, मिक्सचर का जो आप अगर देखोगे डायरेक्शन कैसी है, तो वो कैसी होगी, कैसे रोटेट कराएगा, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। तो ये क्या है माइनस में है, तो क्या करेगा एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कराएगा, तो इसका हो जाएगा ये सॉल्यूशन में लीवो रोटेटरी। ठीक है, लीवो रोटेटरी यानी कि एल कॉन्फिग, एल हो जाएगा। यानी कि जब इन्वर्ट शुगर को हमारे पास खाली शुगर है, हमने उसका हाइड्रोलिसिस नहीं कराया, ये क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। तो यहाँ अगर हमारे पास सिर्फ शुगर है, ठीक है, शुक्रोज है सिर्फ, तो हमसे उसका कोई पूछे कि ये एंटी क्लॉकवाइज ये पीपल को किस तरह रोटेट कराएगा, या फिर ये लीवर रोटेटरी है या डेक्स्ट्रो रोटेटरी, तो हम बोलेंगे कि ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी है। लेकिन जैसे ही इसका हाइड्रोलिसिस कराया, वाटर इसमें ऐड कराया, तो क्या करेगा वाटर एडिशन के बाद, क्योंकि हाइड्रोलिसिस सुक्रोज का हाइड्रोलिसिस होने के बाद हमारे पास मिक्सचर बनता है ग्लूकोज और फ्रक्टोज का। तो मिक्सचर होने की वजह से, क्योंकि ये तो प्लस डी कॉन्फिगरेशन दिखाता है, प्लस डी दिखाता है और ये माइनस दिखाता है, ये 52 डिग्री से रोटेट करता है पीपीएल को, -96 से, क्योंकि ये डिजिट बड़ी है। तो ये क्या कर जाएगा, ये वाला कैरेक्टर इसका डोमिनेंट कर जाएगा, यानी कि -96 डिजिट बड़ी है, ये डोमिनेंट कर गया, तो ये क्या करेगा इसको लीवर रोटेटरी बना देगा, डेक्स्ट्रो रोटेटरी से लीवर रोटेटरी बना देगा। तो आपके पास शुक्रोज है, अगर नॉर्मली शुक्रोज तो वो डेक्स्ट्रो रोटेटरी, और अगर आफ्टर हाइड्रोलिसिस आपके पास जो शुक्रोज है वो है आपका लीवो रोटेटरी। यहाँ से ही अब क्योंकि इन्वर्ट कर हो रहा है, शुक्रोज डेक्स्ट्रो रोटेटरी था और हाइड्रोलिसिस के बाद आपका लीवो रोटेटरी बन गया है, तो ये इन्वर्जन हो गया, डेक्स्ट्रो से लीवो में इन्वर्जन हो गया, कॉन्फिगेशन चेंज हो गया। ठीक है, तो इस चेंज होने की वजह से इसे बोलते हैं इन्वर्ट शुगर, और इसका इन्वर्स, इसीलिए इसको बोलते हैं इन्वर्जन ऑफ शुगर। तो अगर इन्वर्जन ऑफ शुगर आता है तो आपको पूरा रीज़न देना है, मैं आपको रीज़न कल लिखाऊंगी। आज की क्लास में इतना ही, कीप लर्निंग।